35 साल का जो खपरा है वो पूरा 3.5 साल के ऊपर फोड़ने का आज उन्होंने कोशिश किया कि एक उंगली अगर उनको ऊपर दिखाएंगे तो 4 उंगली निश्चित रूप से हमारे ऊपर होगी। ये 3.5 साल में पूरा वसई की वाट लगा दी, ऐसी तरह से उन्होंने आज उन्होंने आयुक्त के ऊपर ब्लेम कर दिया। हमारा भी जनप्रतिनिधि करके कुछ दायित्व था, ऑफिस मध्ये फटका भी लेऊन कमिश्नर साहेब तुम्हाला बोलतोय। प्रतिनिधि के नाते, विधायक के नाते, 3-3 विधायक के नाते, महापालिका हाथ में होने के नाते इन्होंने उसके लिए क्या क्या प्रयास किए। विरार के जनता दरबार में आज महानगरपालिका कमिश्नर और अन्य अधिकारियों को अपशब्द कहे जाने वाली घटना पर भारतीय जनता पार्टी ने निषेध व्यक्त करते हुए घटना की निंदा की है। वसई विरार के बीजेपी अध्यक्ष महेंद्र पाटिल ने इसे चुनावी स्टंट बताया, तो वहीं पूर्व बीजेपी अध्यक्ष राजन नाइक ने बहुजन विकास अघाड़ी के ऊपर ही सवाल खड़े किए। ऑफिस मध्ये फटका भी लेऊन कमिश्नर साहेब तुम्हाला बोलतोय, ऑफिस मध्ये फटका भी। दादा, आज की मीटिंग में जो कुछ हुआ उस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं आप, कैसे देखते हैं इस पूरे घटनाक्रम को? हम ऐसे देखते हैं कि गत 30-35 साल से अगर आप बहुजन विकास आघाड़ी की सत्ता इस वसई में रही, तो उन्होंने पूरा 30-35 साल का जो खपरा है वो पूरा 3.5 साल के ऊपर फोड़ने का आज उन्होंने कोशिश किया कि ये 3.5 साल में पूरा वसई की वाट लगा दी, ऐसी तरह से उन्होंने आज उन्होंने आयुक्त के ऊपर ब्लेम कर दिया। लेकिन हमारा कहना है कि उन्होंने 30-35 साल में पूरा वसई का वाट लगा दिया है। उन्होंने ट्रैफिक की समस्या है, इधर पानी की समस्या है और बहुत सारी जो समस्या है, इलीगल कंस्ट्रक्शन है। आज अगर आप देखना चाहेंगे तो 750 रिजर्व प्लॉट है, उसमें से 50-60% भी ज्यादा रिजर्व प्लॉट उन्होंने इलीगल उनके कार्यकर्ताओं ने हड़प कर दिए। वो रिकॉर्ड पे है, ऐसा नहीं है कि हम बोल रहे, वो रिकॉर्ड पे, लेकिन उसके ऊपर कुछ बोला नहीं जाता। आज विधानसभा में आप अब सदस्य है, अगर आप विधानसभा के आप मेंबर है, जो यहाँ की समस्या है, यहाँ की समस्या के ऊपर अगर आप विधानसभा में क्यों नहीं आवाज उठाया? आयुक्त जी से आवाज उठा के उनके उनके ऊपर आवाज उठा के आप क्या कहना चाहते हैं? इसके ऊपर वसई की जनता पूछना चाहती है कि आयुक्त को आप ब्लेम करके आप क्या कहना चाहते हैं? वसई की नागरिकों के ऊपर दहशत फैलाने का ये प्रयास है, और मेरा सीधा सीधा आरोप है कि एक प्रकार की चुनावी जुमला है, और ये चुनावी जुमला यहाँ पे अभी महानगर पालिका का इलेक्शन आने वाले, उसके बाद लोकसभा, उसके बाद विधानसभा, एक लाइन से चुनाव के चुनाव आने वाले हैं, और चुनाव की तैयारी के लिए आयुक्त को ब्लेम करके अपना जो अपनी गलतियां है ढकने का कोशिश आज इन्होंने किया है, ऐसा मुझे लगता है। का जो रवैया रहा अधिकारियों के प्रति, ये कहां तक उचित है और आप इस बारे में क्या कहेंगे? नमस्कार, आज मंगलवार 15 अगस्त देश का स्वतंत्र दिवस है, उसके उपलक्ष्य में मैं सभी को वसई और नालासोपारा की जनता को मनपूर्वक हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आपने जो मेरे को प्रश्न पूछा और जो लिंक मैंने भी सुना, वीडियो मैंने भी देखा, उस लिंक में जैसा आपने कहा कि यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है, विधायक है, उन्होंने जो आयुक्त को और प्रशासन को जो जिम्मेदार ठहराया, यहाँ के जो असुविधा है, पानी की असुविधा हो, ट्रैफिक की असुविधा हो, यहाँ बारिश में पानी जमने की असुविधा हो, कचरे की असुविधा हो, कचरे को जो तकलीफ हो, इसके लिए जो प्रशासन को जवाबदार जिम्मेदारी सौंपाया, उन्होंने ये कहा कि 3.5 साल में प्रशासकीय राजवट में ये पूरा सब जो हुआ ऐसा हो गया है, पानी की किल्लत या सब ऐसा है कि गत 33 साल से यहाँ के जो विधायक है 1990 से लेके 95 तक कांग्रेस के साथ रहे, 95 से लेके 99 तक भाजपा शिवसेना युति के साथ रहे, और 99 से 2014 तक कांग्रेस और राष्ट्रवादी दोनों आघाड़ी के साथ रहे, उसके बाद फिर 2014 से 2019 तक भाजपा शिवसेना युति के साथ, 2019 से 2.5 साल तक महाविकास आघाड़ी के साथ, और उसके बाद हमारे शिंदे साहब और देवेंद्र जी के सरकार आने के बाद फिर महायुति के भाजपा शिवसेना युति के साथ। उसके पहले 2009 में उनके एक सांसद चुन के आए थे, 2009 से 2014 तक, उस टाइम यूपी के साथ भी थे,
मतलब गत 33 साल से ये वसई विरार ये जो एरिया सब रीजन है वसई विरार या शासकीय पूरे तालुके में वसई विरार तालुके में इनकी पूरी सत्ता थी और आज भी सत्ता विधायक तीन उनकी है, जिला परिषद भी उनकी थी, ग्राम पंचायत भी उनकी थी, मतलब पंचायत से लेके पार्लियामेंट तक उनकी सत्ता थी। उस टाइम हमने बहुत बार सुना है कि उनको मंत्री पद मिलता था लेकिन मंत्री पद उन्होंने नकारा, उसको नहीं बोला कि हमको पानी चाहिए, ऐसा लोगों ने बता देते हैं, ऐसा बताया है। एक बार ऐसा गंगा अलीरे अंगनी मतलब गंगा मैया अपने घर में आ गई और 2015 के चुनाव में ये चुनाव खत्म होते ही हर घर में जल, हर घर में बहुत पानी मिलेगा ऐसा भी वरदान नहीं सुना है। तो हर चुनाव में पानी हमें मिलेगा ऐसा है। तो अगर इन्होंने इतने बार वादा किया है तो आज वसई विरार में 372 एमएलडी पानी की आवश्यकता होते भी 230 एमएलडी पानी वसई विरार में मिलता है। तो पानी अच्छे मात्रा में पर्याप्त मात्रा में आने के लिए महाराष्ट्र शासन का तो दायित्व है लेकिन जनप्रतिनिधि के नाते, विधायक के नाते, तीन तीन विधायक के नाते, महापालिका हाथ में होने के नाते इन्होंने उसके लिए क्या क्या प्रयास किए ये वसई की जनता को मालूम होना चाहिए। अगर तीन साल में आपने अच्छा किया हुआ काम अगर महापालिका खराब करती है ऐसा आपको लगता है, आज के आपसे जो रवैये से हमें लोगों को यह मालूम पड़ा कि आपने पूरा ब्लेम महापालिका प्रशासन के ऊपर दिया, तो आपने 30 साल क्या किया? 30 साल तो आपकी सत्ता थी, 2009 से लेके 2023 तक प्रशासन अभी 3 साल में आया, तो 10 साल दो कम आपकी सत्ता, महापौर थे, उपमहापौर थे, स्थायी समिति थी, पूरी 90% जनप्रतिनिधि आपके थे। उस टाइम आपने कभी ऐसा रवैया, उस टाइम पानी की किल्लत नहीं थी या उस टाइम ट्रैफिक का समस्या नहीं थी, उस टाइम कचरे की समस्या नहीं थी, कौन सी समस्या उस टाइम नहीं थी और आज 3 साल में हो गया? और अगर 3 साल में गत 3 साल में अगर हुई भी होगी समस्या ये, तो जनप्रतिनिधि के नाते, महाराष्ट्र के पावरफुल विधायक के नाते, तीन तीन विधायक के नाते आपने प्रशासन के क्यों नहीं गलती प्रशासन को बताई? आपके पास सीएम से आपका रिलेशन है, डीसीएम से आपका रिलेशन है, आप सत्ताधारी पक्ष के आमदार थे, तो आपका अगर सुनवाई प्रशासन नहीं करते, कमिश्नर नहीं करते, तो आप ऊपर तक क्यों नहीं गए? क्या 3 साल में आपने प्रशासन में अच्छा काम करने के लिए, आप जो आपने मजबूर किया अच्छा काम करने के लिए, उससे संपर्क सहुआ किया और महाराष्ट्र शासन ने संपर्क किया, उसका जो पत्र व्यवहार आपका हुआ, उसका मीटिंग का एजेंडा, मीटिंग का मिनट्स भी लोगों के लिए पब्लिक होने चाहिए। अगर आप इसी तरह से प्रशासन के ऊपर पूरा दोष देखेंगे, एक उंगली अगर उनके ऊपर दिखाएंगे तो 4 उंगली निश्चित रूप से हमारे ऊपर होगी। हमारा भी जनप्रतिनिधि करके कुछ दायित्व था, हम भी संपर्क करना चाहते थे, हमें भी खुद विधायक को भी उनसे संपर्क संवाद करना चाहिए था। क्या कि इन्होंने आज नालासोपारा ईस्ट वेस्ट में जाने के लिए एक एक डेढ़ डेढ़ घंटा कभी कभी लगता है, 1 किलोमीटर आधा किलोमीटर जाने के लिए। विरार में भी इसी स्थिति है, 10 साल से नारंगी का ब्रिज जो कि त्यों पड़ा है, विरार में 25 साल में एक और ब्रिज हो गया वो भी छोटे वाहनों के लिए, नालासोपारा में एक ब्रिज हो गया जो हमारे रामनाथ जी मंत्री थे, वसई में भी एक ब्रिज हुआ है, आज 3-4 ब्रिज की आवश्यकता है, फ्लाईओवर की आवश्यकता है अलकापुरी नालासोपारा ईस्ट वेस्ट में जोड़ने के लिए, श्रीपस्ता में वसई में वसई और नायगांव के बीच में एक और चाहिए, और विरार में जो नारंगी का वो जल्दी से जल्दी होना चाहिए, ऐसे 4 फ्लाईओवर की आवश्यकता है। इस एरिया में 2 रेलवे स्टेशन की और आवश्यकता है, नालासोपारा विरार के बीच में और नालासोपारा वसई बीच में और नायगांव के और वसई के बीच में, क्योंकि आबादी दिन ब दिन बढ़ती है, तो इसके लिए आवश्यकता क्या है? दूरदृष्टि की। पूरी सत्ता आपको अगर देने के बाद भी हम लोग पेपर में पढ़ते हैं, अखबार में पढ़ते हैं, न्यूज पेपर में सुनते हैं, टीवी पे सुनते हैं कि आमदार ने, ये विधायक ने 500 करोड़ रुपया लेके गया, इन्होंने 1000 करोड़ रुपया लिया अपने विधानसभा के लिए, अपने मतदान क्षेत्र के लिए, हमने ऐसा आंकड़े तो 283 करोड़ रुपए परसों सुना, फ्लड के अचानक आने लगा, 50% से ज्यादा भी अवैध निर्माण जो आरक्षित जमीन थी लोगों के लिए, उस आरक्षण के लिए में भी भवन निर्माण हुआ, इलीगल कंस्ट्रक्शन है। क्या कार्रवाई की आपने इतने साल में? क्या कार्रवाई की? दुर्भाग्य से कार्रवाई कुछ नहीं हुई। तो पूरा ब्लेम प्रशासन को देना उचित नहीं है, हमारा भी दायित्व अच्छी तरह से हमें निभाना चाहिए। ये क्या हमने बखूबी निभाया? उसका भी जवाब देना पड़ेगा। और मैं प्रशासन से आग्रह करूंगा कि पूरी एक व्हाइट पेपर निकालो, पानी की स्थिति क्या है,
अवैध निर्माण की स्थिति क्या है और बाकी महापालिका में जो समस्या है उसकी स्थिति क्या है, उसका पूरा जायजा, पूरा एक व्हाइट पेपर निकालो और वसई विरार के जनता का हक है, अधिकार है कि उनके इसके बारे में मालूमात होना चाहिए। स्थिति क्या है, पानी की स्थिति क्या है, पानी क्यों नहीं आया। आज 95% काम एमजीपी का जो इसका जो है एमजीपी का पानी के लिए जो ग्रामीण भाग में 69 विलेजों के लिए खेडूतों के लिए पानी मिलता है, ग्राम पंचायत एरिया में जो पुरानी ग्राम थी आज भी 95% 10 साल से बाकी है। क्या किया विधायक ने? आज महापालिका का मुख्य प्रभाव मुख्य कारण है उद्घाटन के लिए इंतजार करता है। 50-60 करोड़ रुपया खर्चा करके जो प्लेग्राउंड बनाया महाड़ा के जगह में, जो क्रीड़ा संकुल बनाया, उसकी क्या स्थिति है आज, क्यों नहीं बनता है। ट्रैफिक की स्थिति, आज लिंक रोड के लिए 2200 रुपया खर्चा आने वाला था, आज 2800-4000 रुपए का 3000 रुपया करोड़ रुपया खर्चा है, क्यों नहीं लिंक रोड का बनता है। पानी जो जमता है वसई में, नीरी और आईआईटी का भी अहवाल आया था, उसका इंप्लीमेंटेशन कभी किया क्यों नहीं किया आपने, उसके लिए आप जवाब पूछना चाहिए था विधानसभा में, वसई के प्रश्न के लिए जवाब प्रश्न पूछने चाहिए थे। दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हुआ, लोगों की अपेक्षा थी आमदार से, पूरा बहुमत उनको दिया था, 3-3 विधायक चुनके दिए थे उनको, पूरी अपेक्षा थी, लेकिन वो अपेक्षा से आमदार विधायक खड़े नहीं उतरे। उनके कार्यकाल में जो विकास होना चाहिए था बिल्कुल विकास, एक नेचुरल विकास जो होता है वो हो गया, लेकिन दूर दृष्टि देख के, फ्यूचर देख के, वसई की आबादी बढ़ने वाली थी ये क्या आज नहीं मालूम था। 2020 में 25 लाख आबादी होगी सिर्फ ने तभी बताया था जब प्लान दिया, तभी अचानक आबादी थोड़ी बढ़ गई है। और अगर इलीगल कंस्ट्रक्शन हुआ है तो सत्ता आपकी थी, आपके महापौर उप महापौर स्थायी समिति सभी प्रभात समिति के अधिकारी सभापति आपके ही थे, तो आपने क्या किया इसका जवाब तो आप वसई की जनता को आपको देना ही पड़ेगा। अब एक कमिश्नर जैसे अधिकारी और अन्य भी अधिकारी आपने वीडियो में देखा है कि अब शब्द जो होते हैं वो उसकी मतलब शब्दों की गरिमा होती है जनप्रतिनिधियों की, अधिकारियों के जैसे आपने तो बहुत सारी चीजें बताई कि इतने सालों में क्या कुछ आउटकम रहा। और जैसे अभी बिल्डिंगों की बात करें तो 55 फाइल्स आई हैं बाहर जिसमें इलीगल तरीके से बिल्डिंग्स बनाई गई, और इस तरीके की एक्टिविटी पे जनता शोषित है, परेशान है। अब इस पर क्या कहेंगे आप, एक बड़ा स्कैम बाहर आया है जिसपे अभी कार्रवाई चल रही है पुलिस की। ये हमारे मराठी में कहावत है कि हिम नदी का टोक, मतलब बर्फ का टोक ऊपर आया है, 550 भी हो सकते हैं। उसपे जो जो दोषी पाए जाएंगे उसको कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। इसके लिए बकायदा एक SIT भी क्यों ना बने, विधायक जी ने प्रश्न पूछना चाहिए महाराष्ट्र असेंबली में, या मुख्यमंत्री जी से मिलके, या डीसीएम से, दोनों डीसीएम से मिलके प्रश्न पूछना चाहिए कि इसके लिए क्या ये होना चाहिए। इसका पूरा निचोड़ तक नीचे तक जाना चाहिए। करोड़ रुपए महापालिका भी डूब गए और लोग आज तकलीफें झेल रही है, क्या नहीं मालूम था पूरा प्रशासन। आज जो घटनाक्रम हुआ है आपका, उस घटनाक्रम पे अधिकारी आहत हैं, जिस तरीके से लोग IAS एक ग्रेड के अधिकारी हैं और अन्य जो भी अधिकारी हैं उनको पूरी तरह लताड़ा गया है, क्या कहेंगे? जिस तरीके से ये अधिकारी के साथ आज जो बातचीत मैंने वीडियो पे देखा, तो अच्छे अधिकारी वसई विरार में आने वाले कार्य में नहीं आएंगे। इसी तरह से उनकी अगर उपेक्षा हो जाएगी, इसी तरह से अगर उनके साथ ताल्लुकात हो जाएगा, तो निश्चित रूप से स्वाभिमानी अधिकारी जो वसई विरार आने के लिए डरेंगे, ऐसा क्यों जाएंगे। प्रशासन कौन चलाता है, प्रशासन तो अधिकारी चलाते हैं। आखिर जनता क्या करने, जो जनप्रतिनिधि तो क्या करने का निर्णय लेती है, लेकिन इसका इंप्लीमेंटेशन करने का हम किसमें हाथ में है, प्रशासन के हाथ में है। प्रशासन और जनप्रतिनिधि डेमोक्रेसी में ये दो रथ के चाक है, हमारे जन रथ के चाक है, वो साथ साथ नहीं चलना चाहिए। अच्छा तालुकात होना चाहिए, अच्छा रिलेशन होना चाहिए। अगर प्रशासन के अंदर कहां गड़बड़ करती है, कुछ गलत करती है, तो जनप्रतिनिधि का काम है उनसे बात करने का, भाई इसी तरह से चलो आप, एक जनता के हित में है। और हमारे हमारे जो विधायक है इतने सक्षम है, पूरे महाराष्ट्र में सभी अच्छे बड़े राजनीतिक दल या पार्टी के नेता उनके व्यक्तिगत तौर के संबंध है, उसका उपयोग वसई विरार जनता के हित के लिए करना चाहिए था। आज भी उतना अच्छा हित किया ऐसा बिल्कुल आप अगर किसी को देखता हो, अगर जनता संतुष्ट है ऐसा मुझे नहीं दिखता। मैं लोगों में जाता हूं, लोगों से संपर्क और संवाद करता हूं। आज की समस्या जो कि त्यों है,
ट्रैफिक समस्या हो, पानी की समस्या हो, कचरे की समस्या हो, रोड की समस्या हो, जो कि त्यों है। अच्छा, जनता दरबार की जो मीटिंग थी, जो तरीके से बातचीत हुई, जितना एग्रेशन में काम आया, चीजें बाहर आई हैं, क्या लगता है आपको इलेक्शन के कारण ये हुआ है, लोगों को सांत्वना देने के लिए हुआ है ये तरीका? बिल्कुल बिल्कुल, प्रशासन के ऊपर हम लोग डर गए, लेकिन लोग भी वो सही के होशियार है। लोग के मन में भी ऐसा है, आते समय मेरे को बहुत टेलीफोन दिया है, मेरे से जो जो मिले ऐसा बोलता है, ऐसा क्या हुआ, बोलते चुनाव है, ऐसा ही होने वाला है ना, ऐसे होएगा ना, चुनाव है, रातों रात कुछ बदलने वाला है, चुनाव है ना, चुनाव की रणनीति हो सकती है। धन्यवाद।